हेलो एरिंस, आप सब जो लाइव क्लास वाले बच्चे हैं, कल नेट का प्रॉब्लम था इसलिए मैंने आपको लाइव नहीं दिया था, तो उसके वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। कल मैंने पढ़ाया था SN1 SN2, कल आपको समझ में आया SN1 SN2? आया ना समझ में? तो आप लोगों को भी समझ में आएगा, जैसे कि बच्चे बोल रहे हैं उनको समझ में आया। तो आज देखेंगे हेलो एरिंस। एरिंस एरोमेटिक कंपाउंड, आप जानते हो ना, ये है बेंजीन, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? छह कार्बन की रिंग, यानी कि हैकेल के रूल का जो पालन करती है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी आगे पीछे बात करने से। सीधी सीधी बात करेंगे कि जो बेंजीन रिंग होता है, ऐसे कोई कंपाउंड होगा उसे हम क्या कहेंगे? एरिंस कहेंगे या एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, जिसमें एक रिंग होता है जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं। तो ये हैकेल के रूल की तरफ चलेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाता है इस बात को कहना, समझा पाना। फिलहाल ये बेंजीन है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड में यदि क्या हो जाए, जैसे मैं कह दूं कि ये इस पर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, ऐसे लिख देता हूं, रेजोनेंस होने के बेस पर, अब बातचीत जानते हो आप लोग, ठीक है। तो यहां पर एक सीएल लगा होगा, इसी तरह से यहां पर एक बीआर लगा होगा, हो सकता है कि दो सीएल जो है दो जगहों पर लगे हुए हैं, इस जगह पर, या हो सकता है इस तरह से दो सीएल लगे हो। तो ऐसे कंपाउंड, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें हैलोजन होता है वो कहलाता है, क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड या हेलो एल्केन कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में एक बात कह दूं, इनके नामकरण वन कर तो सबको अब एक स्पेशल वे में पढ़ते हो, फिर यहां पर बनाने की विधियों की तरफ हम चलेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इसके बेसिक तौर पे, शुरुआती तौर पे कह दूं। तो जैसे ये है, इसको क्या बोलेंगे आप लोग? क्लोरो बेंजीन, ठीक है, ये क्लोरो बेंजीन है। तो ये क्या होगा? ब्रोमो बेंजीन होगा। इसको क्या बोले? 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, ये 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। सिंपल हो गया। और क्या बोल सकते हो इसको? ये अर्थो पोजीशन पे है तो अर्थो डाइक्लोरो बेंजीन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, यस। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको क्या बोल सकते हैं? एकदम क्लियर है। अब ये दोनों की पोजीशन की बात करें तो आपको पता होगा कि जिस कार्बन से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके अगला स्टेप ही अर्थो होता है, उसके बाद वाला मेटा होता है, उसके बाद पैरा होता है। इसको छोड़ करके फिर अगले स्टेप से, है ना, अर्थो मेटा पैरा, तब क्या होगा? ये अर्थो पे है तो क्या बोलेंगे? अर्थो डाइक्लोरो डाइक्लोरो बेंजीन। इस तरह से इनका नामकरण कर सकते हो। तो बाकी सबका तो नामकरण कर सकते हो, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। बहुत गहराई है नामकरण में और बहुत सारी बातें बताने पड़ते हैं, लेकिन हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सिंपली आप उसके बुक में लिखी हुई उन बातों को अगर आप देखोगे एक निगाह भी तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिलहाल यहां पर टाइम हमें नहीं लगाना है, क्योंकि इससे टाइम बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। सो हम चलते हैं इनके रिएक्शंस की तरफ, इनको बनाने की तरफ, ठीक है। तो मैं बनाने के एक मेथड की तरफ ले जाऊं, तो सबसे पहली बात है, ऊपर लिखेंगे, हेडिंग लगा देंगे, मैं क्या बोलते हैं, लिखोगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिंस, हेलो एरिन बनाने की विधियां। Preparations of haloarenes. Haloarene, ठीक है। इसमें कुछ मेथड बताऊंगा मैं आपको, एक बार देख लेते कितने बच्चे आए हुए हैं नेट में और यूट्यूब पर, और अभी बीच में कुछ गेप हो गया था इसलिए कुछ बच्चों को तकलीफ हुई थी, इनके लिए मैं अपने तरफ से तहे दिल से माफी मांगता हूं। लेकिन हाँ, याद रखें, वेरी गुड, काफी बच्चे आए हुए हैं, और जो बच्चे अभी नहीं देख पाए बाद में देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, गाइस वगैरह भी ठीक है। चलो, बनाने की कुछ एक विधि बता रहा हूं आपको, थोड़ी सी थ्योरी लिखाऊंगा फिर उसके नीचे फिर मैं रिएक्शन कराऊंगा, इससे क्या हो जाएगा आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाएगा, ओके। तो आप लिखो, सबसे पहला विधि बता रहा हूं मैं आपको, हेलोजिनेशन,
हेलोजेनेशन यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ हेलोजनीकरण, हेलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। चलिए थोड़ी सी लाइनें लिखें, यहां पर लिखूंगा तो लंबा टाइम लगेगा, सो आपको मैं बोलूंगा तो आप आसानी से लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, हो जाएगा। लिखो छोटी सी लाइन लिखो कि निर्जल निर्जल फेरिक हैलाइड या एल्यूमिनियम हैलाइड, की उपस्थिति में तथा अंधेरे में यानी कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में तीन सौ दस केल्विन ताप, 310 केल्विन ताप बहुत कम होता है ना, 310 केल्विन ताप पर बेंजीन में हैलोजन ब्रैकेट में लिख लो क्लोरीन या ब्रोमीन प्रवाहित करने पर मोनोक्लोरो बेंजीन सॉरी मोनोहेलो बेंजीन प्राप्त होता है। ये चीज ये लाइनें जो लिखे हो उस पर ध्यान दो आप, बस इतना ही याद रखो, रिएक्शन याद नहीं रखो, दोनों में से कोई भी याद चीज याद रखा करो। देखो पूरी एक छोटी सी थ्योरी आ गई बेटा, आप लोग बहुत सारे बच्चे बोलते हो कि सर हम रिएक्शन भूल जाते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद करके जाएंगे। आपको बता दूं इंपॉर्टेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे, जो एग्जाम में आ चुका है ना, जो आएगा उसके बारे में तो नहीं जानते हो। तो आपको एक तरह से ये सोच के चलना है इतनी पकड़ने से अच्छा है कि इतना पकड़ लो, लेकिन इतना कब पकड़ में आएगा, जब आप दिमाग को ऊपर रखोगे। हमने बोला हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हैलोजिनेशन कराएंगे, किसी एरोमेटिक कंपाउंड का हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे, लेकिन कंडीशन कुछ और है। बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई, अब कुछ मत सोचो, सिंपल हो गया रिएक्शन, एकदम इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, बस जो सोच रहा है उसी को यहां पर डालो रिएक्शन में। क्या क्या सोचे आपने बताओ तो जरा, आपने लिया बेंजीन, सभी रिएक्शन के लिए काफी गहराई है बेटा ना, बेंजीन को ऐसे लिख लें चलेगा, ऐसा क्यों लिखते हैं पता है ना, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। प्लस किससे रिएक्शन करा रहे हो, क्लोरीन से, या किससे रिएक्शन कराओगे, ब्रोमीन से, या किससे कराओगे, आयोडीन से। लेकिन आयोडीन से रिएक्शन कराने पर कुछ लेकिन शब्द मैंने लगाया ना, इसका मतलब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ओके। तो इनसे रिएक्शन करा दिए, अब इनके लिए हैलोजन को ले जाना, हैलोजन को कैरी करने वाला, हैलोजन वाहक के रूप में, हैलोजन कैरियर के रूप में होता है फेरिक या एल्यूमिनियम का हैलाइड। अब ये क्लोरीन लिए हो तो क्लोराइड लोगे, तो Fe निर्जल एनहाइड्रस FeCl3, या क्या ले सकते हो AlCl3। मैं उन्हें वहां पर वर्ड्स लगाया था हैलाइड, अगर ये क्लोरीन है तो ये क्लोरीन होगा, क्लोराइड होगा, यहां पे ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड होगा, आयोडीन है तो आयोडाइड होगा, ओके। इसलिए मैंने हैलाइड शब्द लगा दिया था, कॉमन शब्द लगा दिया था आपके लिए। अब चलो कुछ नहीं है यार, इसे इजी कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। अच्छा मैंने क्या बोला था, डार्क रूम, इन डार्क रूम, यस अंधेरे में करेंगे रिएक्शन। टेम्परेचर कितना दिया था, 310 टू 320 केल्विन लिख देता हूं मैं यहां पे, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं रखते हैं क्योंकि एग्जैक्ट वाले में जहां पे परेशानी होती है एकदम एग्जैक्ट लिखा जाता है, थोड़े से वेरी करता है, तो इसी के आसपास समझ लो, ठीक है। अब बताओ बिल्कुल आसान है ना, कितने बच्चों से बन गया बताओ आप, मैंने बोला था क्या हो रहा है कैसे बनेगा, आपको तो पता है ना ये सब CH है, बोलो ये CH है, CH है, चलो बोलो ये CH है, ये है ना, यही तो है क्या, तो क्या किससे रिएक्शन होगा, क्लोरीन के साथ Cl, ये क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को हटाया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर कभी भी रिएक्शन होती बेंजीन रिंग पर जो भी प्रतिस्थापन होता है वो प्रतिस्थापन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन,
और कल आपने हेलो एल्केन में क्या देखा था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, वहां पर न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये कैसे, वो सब बात की बात है, बाद में बातचीत कर गेंगे, और फिलहाल इस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो क्या हुआ, एक सीएल एच निकल गया, तो क्या निकल गया, एच सी एल निकल गया, बच गया जो खाली हुआ है, उस जगह पे लगेगा क्लोरीन। सो मैं इसी में लिख दूं, बोलो। तो इतने आसान से रिएक्शन है, इस आसान से रिएक्शन पे आपको किसी तरह की कोई बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको बात समझ में आ गई, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें क्या होगा? फटाफट बताओ, मैं यहां पर रुकूंगा नहीं आपसे पूछने के लिए। बोलो Br2, मैं यहां पर क्या लूंगा, बोलते जाइए। एनहाइड्रस, बोलो। हाँ, या Al Br3, और ये सारे कंडीशन यही होंगे, और क्या बनेगा बोलो। BrH, HBr निकल गया, और क्या बन गया, C6H5Br। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर, ये C6H5 हुआ और ये Cl हुआ, ये क्या चीज है, C6H6 है। तो ये रिएक्शन हुआ हेलोजिनेशन, ठीक है। तो नोट करना चाहो तो कर लो जल्दी से। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री एक कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल सब्जेक्ट है, ये महज एक थ्योरी नहीं है, इसे सीखना और समझना पड़ता है। और अब सवाल यह है कि एग्जाम काफी कम समय बचा हुआ है, और इस कम समय में हम पूरी केमिस्ट्री को समझें और अच्छे मार्क्स भी लाएं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो हमने इसके लिए एक पैकेज डिजाइन किया है, एग्जाम बूस्टर। इसमें आपको मिलेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेक्चर क्लासेस, जिस टॉपिक को आपको प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक का आप लेक्चर जाके देख लें, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, और आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए लाइव क्लास। तो आप vidyakul.com में आ जाइए, इसमें आपको एग्जाम बूस्टर में वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिसकी आपको एग्जाम के लिए जरूरत है, और इसमें आपको हम मोटिवेट भी करेंगे कि कैसे आप उस एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं, और आप में किसी तरह की मोरल की कमी नहीं आएगी। 99+ मार्क्स लाए हुए बच्चे हमारे पास हैं, और आपको कहेंगे कि 90+ बेसब तौर पे आपको पास आएगा, और वो तभी हो सकता है जब आप सही तरह से एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ एग्जाम की तैयारी में। तो क्लोरीन से रिएक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, हेलोजनीकरण में, नाम में क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोरीनेशन। इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमिनेशन। और एक शब्द आएगा आयोडीन के लिए, क्या बोलेंगे, आयोडीनेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, आयोडीनेशन। तो चलो देखते हैं आयोडीनेशन कैसे होगा। आयोडीनेशन इसमें क्या, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, आयोडीन के साथ होगा, तो क्या बनाएगा, जल्दी बोलो। सारे कंडीशन वही होंगे ना, कि Fe3N हाइड्रस, बोलो क्या होगा, Hi+ आयोडो बेंजीन C6H5I, देख रहे हो ना। अब यहां पर इस बात पे ध्यान देना कि Hi जो है प्रबल अपचायक है, मतलब आसानी से अपना H अलग कर देगा। आपको पता है H और I के बीच का जो बॉन्ड है वो दुर्बल होगा, H और F के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, H और Cl के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, लेकिन H और I के बीच का बॉन्ड जो है दुर्बल होगा। बोले क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, और जब किसी परमाणु का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की जगह देना शुरू कर देता है। Yes, तो ये क्या होता है, इसका बॉन्ड जो होता है काफी दुर्बल होता है। सो क्या होगा, ये टूट करके I2 बना लेगा और H अलग कर लेगा, बोलो। तो क्या होगा, तो ये इनके साथ मिलकर के वापस क्या बन जाएगा, I2 और बेंजीन, यानी कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो मैंने क्या बोला, ये प्रबल अपचायक होता है, प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोल, क्या बोलते, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, प्रबल अपचायक। So, ये रिएक्शन इस तरह से नहीं होगा, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, एक ही दिशा में चलाने के लिए आपको इसमें इसमें
इन्हीं के साथ आपको इसमें मिलाना पड़ेगा, या तो आपको कॉन्सेंट्रेट HNO3 मिलाना पड़ेगा या आपको मिलाना पड़ेगा HIO3। बेस्ट है HIO3 मिलाइए। सर ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा करने से क्या फायदा होगा? मैं आपको इसके फायदे भी बता देता हूं अगर आप जानना चाहें तो। क्या होता है, HI बना, आपने नाइट्रिक एसिड बनाया। नाइट्रिक एसिड के बारे में क्या जानते हो? देखो बेटा, क्या जानते हो वो मायने रखता है। नाइट्रिक एसिड टूट जाएगा H2O प्लस NO2 प्लस O में, ये प्रबल ऑक्सीकारक है। तो हमने क्या मिलाया, ऑक्सीकारक मिलाया। इससे क्या होगा, जो बनने वाला HI है वो अगर यहां से हटा दिया जाए इस माध्यम से, तो आयोडीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वापस बैक नहीं होगा रिएक्शन। तो इस HI को हटाने के लिए हमने क्या मिलाया, प्रबल ऑक्सीकारक। हमारे पास कौन सा ऑक्सीकारक मिला है हमने, HNO3 या HIO3। तो ये मिलाया तो ये क्या बन गया, देखो तो बैलेंस कर दो, 2:2 क्या मिला, 2। अब बताओ क्या बचा, ऑक्सीजन है 6, यहां पर ऑक्सीजन है 4, 5 और 1 6। यस, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसकी दो मॉलिक्यूल, इसको हम दो बार लेंगे तो एक पानी और बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दो पानी, 2H2O2NO2+ I2। इस तरह से ये HI जो है वो क्या हो जाएगा, वहां से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, एक और बात है कि अगर आप HNO3 नहीं मिलाते हो, उसकी जगह क्या मिलाते हो, HIO3 मिलाते हो, तब क्या होगा, ये HI क्या करता है, HI को देखो, ये आयोडीन, ये इस तरह से टूटता है कि ये आयोडीन अलग हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको अगर तोड़ के देखो तो क्या बनने वाला है, HIO3। अगर हम सिंपल जैसे ये इनके विघटन दिखाए थे, इसके भी डिकम्पोजिशन दिखाते हैं, HIO3 ये टूट कैसे जाएगा, I2 H2O, देखो I2 यानी कि 2 times H2O 1, ऑक्सीजन कितना बचा, 2, कितना 6 है, 4 बचा, यानी 5 बचा, 5। इस तरह से होगा, तो ये इसके रिएक्शन, फुल रिएक्शन लिखते समय आपको 2 स्टेप का पालन कर ले तो आसान हो जाएगा। ये फर्स्ट तो ये है, ठीक लिखा ना मैंने, 2 HI, 2 हाइड्रोजन, 2 आयोडीन, 6 ऑक्सीजन, ठीक है ना। चले तो फर्स्ट तो ये है 2HIO3, इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए, पर ये सारी चीजें एग्जाम के टाइम पे काम आ जाता है कभी, ठीक है। तो क्या हुआ बोलो तो, I2 बन गया, H2O बन गया, 5O, और HI के टूटने से क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना बोलो, H2O, 2HI, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, बन गया I2, ये बन गया, कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, 1 times × 5, दोनों को जोड़े तो क्या मिल गया, 5 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन, कट गया तो क्या हुआ, 2HIO3 के लिए 10 HI gives, कितना हुआ, 5 + 6 6I2 + H2O 6। इस तरह से टूटता है। तो आपको हमने क्या बताया कि डायरेक्ट क्लोरीन से रिएक्शन कराया जा सकता है, ब्रोमीन से रिएक्शन कराया जा सकता है, और जो कंडीशन है वो अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जब आयोडीनेशन कराएंगे तो उसके लिए एक और चीज मिलाना पड़ता है, वो HNO3 या HIO3। अब ये प्रश्न हो सकता है आपके लिए कि आयोडीनेशन हम इस प्रकार से ना करके किस प्रकार से करेंगे, एक क्वेश्चन हो सकता है। आयोडीनेशन जो है करते समय हम इसमें HIO3 क्यों मिला देते हैं या HNO3 क्यों मिला देते हैं, तो उसका जवाब आपको मिल गया, क्या है कि इस अभिक्रिया में HI प्राप्त होगा जो कि प्रबल अपचायक होता है, जो कि इसे आयोडोबेंजीन को अपचयित कर देती है वापस, और इस तरह से आयोडीन क्या होता है, आयोडोबेंजीन नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। यह बन भी जाए तो क्या हो जाएगा, वापस बैक कर जाएगा, या फिर एक साम्यावस्था में होगा, सफिशियंट मात्रा में नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर बात कर सकते हैं। तो ये एक बातें हैं, एक लाइन आप लिख लीजिएगा, सो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला रिएक्शन हो गया, आप नीचे में आते हैं तो लिखोगे, आयोडीनीकरण के समय, आयोडीनीकरण के समय
अभिक्रिया माध्यम में HNO3 या HIO3, HIO3 क्या है, आयोडिक एसिड, मिलाया जाता है। ठीक है, क्यों लिखो, क्योंकि हो गया, लिख लिए, मिला जाता है। फिर आगे लिखे हैं, क्या लिखे बेटा, हो गया, मिला जाता है, क्योंकि लगा ना, क्योंकि प्राप्त एच आई प्रबल अपचायक होने के कारण उसे अभिक्रिया माध्यम से हटाना होता है। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, बहुत सारी बातें लिख सकते हैं और, ठीक है, फिलहाल इतना लंबा नहीं लिखा रहा हूं। चलो ठीक है, अब ये बात है कि अगर हमारे पास क्लोरीन एक्सेस में हो, अधिक मात्रा में हो, तो क्या हम इसे प्राप्त कर पाएंगे, क्या हम डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर पाएंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। क्या बोला था मैंने, सिंपल एक बात कहूंगा, बेंजीन की रिएक्शन किससे करा रहे हो, क्लोरीन से करा रहे हो, कंडीशन आपको पता है ना, बोलो क्या है, फेरिक क्लोराइड, निर्जल, निर्जल एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड या एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन होता है और क्या बनाता है, क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन बनाता है। यस, तो ये मोनोक्लोरोबेंजीन है, लेकिन यदि क्लोरीन की अधिकता हो, क्लोरीन की मात्रा हम बढ़ा दें, तो क्या होगा, ये अधिकता में हो तो, एक्सेस में हो तो क्या होगा, तो एक्सेस में होगा तो क्या होगा, बोलो, ये लो, क्या होगा, ये रिएक्शन दो बार होगा, सो क्या हुआ, 2HCl, और ये दो जगहों पर, यहां पर तो मैंने HCl को दो लिखा हूं ना, उसको आगे थोड़ा डिस्टर्ब करेगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2HCl, क्योंकि दो जगह पर हुआ ना, एक क्लोरीन ने यहां पर अटैक किया, दूसरा क्लोरीन ने यहां पर अटैक किया। और क्या बन सकता है इसी के साथ साथ, और बन सकता है इसी के साथ साथ, वो है, तो ये क्या है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये मेटाडाइक्लोरोबेंजीन क्यों नहीं बनेगा, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, जो कि आपको 11th में मैंने कराए हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड में जो आने वाला, जो नया प्रतिस्थापी है, आने वाला जो जो भी ग्रुप है, वो कहां पर अटैक करेगा, कहां पे जुड़ेगा, उसके पीछे पहले क्या चीज है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसकी अपनी क्लास है, तो उनको या तो मैं अपनी क्लास में 12th में एक बार बताऊंगा किसी टाइम पे, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये कहां कहां पर पॉसिबल है, अर्थो पर, यानी कि हैलोजन ग्रुप अगर लगा हो पहले से इसमें, जैसे पहले से लग चुका है, तो इसके बाद आगे कंटिन्यू होगा, तो कहां पे होगा, अर्थो पर या पैरा पर होगा, मेटा पर नहीं होगा। फॉर्मल्डिहाइड में, सॉरी बेंजल्डिहाइड में, अर्थ किस पर होगा, बेंजल्डिहाइड में CO यानी मेटा पर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें फिनॉल में का अर्थो पैरा पर होगा, तो ये ऐसा कैसे है, तो इसके पूरा रीजन के साथ बातचीत है, तो ये दिमाग में बैठा के रखो, वो चीज सीखना जरूरी है, ये नहीं कि यार मैं मेरी मर्जी में यहां पे बिठा दूं। अच्छा, एक बात और, अर्थो की तुलना में जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो अधिक होता है, यानी ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा, ये कम मात्रा में बनेगा, जबकि ये मेजर होगा, यानी अधिक मात्रा में बनेगा, दोनों बनेगा। लेकिन हाँ, अब बोलोगे सर रिएक्शन बैलेंस नजर नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ी सी बात बता दें कि इस रिएक्शन के टाइम पे या तो ये दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों बनता है इसलिए हमने दोनों को दिखाया, इसलिए ये रिएक्शन में प्लस लिख दिया जाता है, जबकि प्लस के साथ ये रिएक्शन रॉन्ग है। ओके,
क्यों, बैलेंसिंग रॉन्ग हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दिया जाता है क्योंकि ये पूरे प्रचलन में चल गया है बातें, ठीक है। फिलहाल आप समझो ये दोनों बनेगा, लेकिन जो कौन से ज्यादा मात्रा में बनेगा, पैरा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो सो ये बातें आप याद रखिए, नोट कर लीजिए। कंडीशन पता है ना बेटा आपको। चलिए अब बातें करेंगे आगे। सैंडमेयर रिएक्शन के द्वारा हम बनाते हैं, सैंडमेयर अब हेलोएरिन बनाने की एक दूसरी मेथड है सैंडमेयर। सैंडमेयर रिएक्शन लिख देता हूं, छोटी सी लाइन लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटी सी लाइन लिखिए, लिखें लिखेंगे क्यूप्रस हैलाइड तथा हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है? HCl, HBr, इसको अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं, के द्वारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्रिया कराने पर हेलोबेंजीन प्राप्त होता है। देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा C6H5 एन डबल बॉन्ड एन सी एल, ऐसे लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं एन प्लस सी एल माइनस, बीच का बॉन्ड हटा करके। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक क्या है, सॉल्ट है, एक लवण है। लवण है क्यों? क्योंकि सी एल माइनस और इतना पार्ट, क्लोराइड बोले ना, आईडी ही बोले ना, क्लोरीन तो नहीं बोले या क्लोरो नहीं बोले, यस इसी कारण से। तो अधिकांश जगहों पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा चाहो आप लिख सकते हो, ठीक। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बताओ? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, क्यूप्रस क्लोराइड घुला हुआ है HCl में, HCl के सॉल्यूशन में क्या घुला हुआ है, क्यूप्रस क्लोराइड घुला हुआ है। इसके साथ किसकी रिएक्शन कराई जा रही है? इनकी रिएक्शन कराई जा रही है। सो क्या हो रहा है कि यहां पर इस रिएक्शन में ये N2 अलग हो जाएगा, बाकी तो वही है, बच गया आपका Cl जो इस जगह पे जुड़ जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। ये सैंडमेयर रिएक्शन है, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करना हो तो क्या करना पड़ेगा? मैंने वर्ड्स लगाया है क्यूप्रस हैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब आपको चेंज कर सकते हैं आप, ब्रोमीन वहां ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं। कितने बच्चे बना सकते हैं इस चीज को देखो तो, CuCl, तो CuBr और HBr, तो HBr के सॉल्यूशन में क्या लगा हुआ है, CuBr घुला हुआ है, इसकी रिएक्शन किनके साथ कराया जा रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5 एन डबल बॉन्ड एन प्लस Cl माइनस लिख करके। इस जगह पर रिएक्शन मैं आपको इजी मोड में आपको बता दूं अगर आप करना चाहते हो तो, और नहीं तो फिर इसमें HBr लिख दूं या CuBr लिख कर सकते हैं, ठीक है। CuBr भी आप लिख सकते हो क्योंकि रियल में रिएक्शन इसी के साथ होता है, फिलहाल हमने ऐसा नहीं लिखा, चलो ठीक है। तो बताओ क्या बनने वाला है, बोलो जल्दी से जी। ये देखो ये HCl बन गया, प्लस क्या हो गया इसका Cl, भाई ऐसा नहीं कि सर इसका Cl 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 लिए, यहां पर Br 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 लिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं,
ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही है, बस ये यहां पर ध्यान रखना बस। तो क्या होगा, ये निकल गया HCl, बच क्या गया Br, Br इसमें जुड़ जाएगा, N अलग हो जाएगा, तो क्या निकल गया N2 निकल गया, बच गया C6H5Br। ओके, तो ब्रोमो बेंजीन बन गया। अब थोड़ी मजेदार बात कर लेंगे, जस्ट देख लो थोड़ा सा, फिर मैं एक मजेदार बात बताने वाला हूं। बेटा पढ़ोगे तो बहुत गहराई है, पढ़ोगे तो मजा है, नहीं पढ़ोगे तो फिर खराब है। वो तो ऐसा है कि इंपॉर्टेंट बता दो बस, समझ रहे हो, जितना इंपॉर्टेंट के चक्कर में जाओगे उतना तुम्हारा फ्यूचर अंधकार में हो जाता है। इसलिए आप अंधकार में नहीं बोलूंगा, पढ़ोगे तो अच्छा ही बनेगा, लेकिन क्या होता है वो उसकी क्वालिटी नहीं डेवलप होती उसमें, ठीक है। उसके बारे में क्या होता है कि यार ये कर लेते हैं हो जाएगा काम, निपट जाएगा, निपटने वाले काम निपटाते रहोगे, बचपने में अगर निपटाने की आदत है तो होता रहेगा भाई, ठीक है। तो चलो आगे चलें, मिटा दूं। अब मैं इसी रिएक्शन की तरफ चलता हूं, इस रिएक्शन में एक और नाम जुड़ता है, गेटरमैन रिएक्शन। ये गेटरमैन शब्द जो है इस साल आपको परेशान करेगा, क्योंकि गेटरमैन रिएक्शन होता है, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस होता है, ये सब नोट कर लीजिएगा, बाद में काम आएगा, ये अलग चीज है जो पढ़ाने वाला हूं। ये कहां पे आएगा, जब आप देखोगे ये आएगा, दोनों चीजें आएगा बेंजल्डिहाइड में। एक और शब्द आएगा यहां पे, गेटरमैन, गेटरमैन कोच एल्डिहाइड, सिंथेसिस। तो आपके पास ये तीन गेटरमैन आएगा, तीनों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये तभी इस चीज को पढ़ाते समय ये चीज मुझे बताओगे उस टाइम जब मैं ये नाम लूंगा, तो उससे पहले बताओगे गेटरमैन रिएक्शन हमने पढ़ा था सर वो ये है। ओके, तो चलो गेटरमैन रिएक्शन है क्या, बस कुछ मत करो, कुछ मत करो, ये CuCl लिए हो ना, ये रिएक्शन हो गया सेंटमेयर। वहां पर ओनली आप Cu लो, बाकी HCl HBr जो लेना है लो, बाकी रिएक्शन बन गया गेटरमैन रिएक्शन। यानी सेंटमेयर रिएक्शन में आपने क्यूप्रस क्लोराइड लिया था, क्यूप्रिक क्लोराइड नहीं, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस Cu+, क्यूप्रिक Cu+2, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। वर्ड्स पे ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो तो अस, ज्यादा हो तो इक। चलिए पूरा रिएक्शन तो वही है, C6H5N2Cl का रिएक्शन। अब इसमें तो किसी की जरूरत नहीं है फिलहाल HCl वाले में, तो क्या हो जाएगा, N2 अलग हो गया, बन गया C6H5Cl। बहुत मजेदार होने वाला है आगे का रिएक्शंस, आगे की पढ़ाई, बस थोड़ा सा स्पीड पकड़ना शुरू कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हो गया, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, गेटरमैन रिएक्शन। अब गेटरमैन रिएक्शन के साथ एक रिएक्शन और आए, देखो ये दोनों नहीं पढ़ाए ना हमने भी, ध्यान रखना है ना, ये इसको मत ये सोचना कि भी पढ़ाई हुई, ये कहां पे पढ़ाई होगी इसके बारे में, ये इसकी पढ़ाई होगी बेंजल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि है, बनाने में इसको पढ़ोगे, ठीक है। अभी बता दूं, बताने में बड़ा मजा आता है मुझे, रिएक्शन एक के बाद एक एक सिक्वेंसली जब हम एक तरह से बताते हैं तो बात वो है कि बता तो दूं लेकिन आपके दिमाग में बैठेगा वो भी सही है, पर ये वाला चीज छूट जाएगा जो हेलो एरेंज पढ़ रहे हो, सो वो नहीं करना चाह रहा मैं, ठीक है। चलो एक और आता है बेल्जसीमेन, क्या बोला मैंने, बेल्जसीमेन। इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूंगा, HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ इनकी रिएक्शन होती है, तो चलो देखें ये कैसे हो सकता है। बेल्जसीमेन, सेंटमेयर कोई आदमी था वो भी, गटरमैन
मैन आदमी, ये भी है, ये भी आदमी है, बस आखिरी वाला एन हटा दो। तो बेल सिमेन रिएक्शन, ये रिएक्शन होता है फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 के साथ। इसमें क्या होगा, ये एच जो है, बस ये आ गया तो बेल्समैन हो गया। यस, बेल्समैन, समझो सेंडमेयर की शुरुआत, सेंडमेयर का संबंध है गटरमैन रिएक्शन से, गटरमैन सिंथेसिस से नहीं है, गटरमैन रिएक्शन का इनके साथ बिल्कुल नहीं, इन दोनों का इनके साथ है। ये रिलेशनशिप ढूंढेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे रिएक्शन। अब बोलोगे सर और कोई दूसरा तरीका रट्टे मारने का, सीखने का तरीका होता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में रट्टा मारने का कोई तरीका मुझे बता दो, ट्रिक बता दो तो मैं मान जाऊंगा। पूरा मैथमेटिक्स ट्रिक है ना, वैसे पूरी केमिस्ट्री ट्रिक है। चलो हो गया है ना, एक ऐसा कभी मत पूछना कि कार चलाने का शॉर्टकट ट्रिक बताओ, कि मैं एक बटन चलाऊं दबाऊं और चल जाए, तो उनके लिए कम से कम 20-25 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। शॉर्टकट ट्रिक है 25 करोड़ डालो, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक कार मिल जाएगी, कहाँ जाना है बस लिख दो, है ना। अब वो तो आसान नहीं हो सकता ना, है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो वो चीज नहीं होता, इतना शॉर्टकट में मत जाओ कि जिंदगी ऐसे हो कि बिस्तर में ही सोए रहो, पूरा जिंदगी भर का पूरा काम हो जाए अपने आप, ऐसा मजा क्या आएगा। मैं बोलूंगा तुमको दिन रात सोने का बढ़िया छूट है, कुछ नहीं आराम करो, कहां खेलने जाते हो, पूरी 90 साल की उम्र दूंगा तुमको, बताओ क्या है, वो बीमार नहीं है, समझ में आई। क्योंकि जिस हाथ को तुम यूज नहीं करोगे वो खत्म हो गया, ओके। तो ऐसे दिमाग को यूज नहीं करोगे तो खत्म। चलो मजाक हो गया, पढ़ाई शुरू करें, आगे बढ़ें, रिएक्शन आसान है, मैं देख दिखाया, मैंने गोला लगाया, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, HCl, देखो कितना आसान है यार, बिल्कुल आसान सा रिएक्शन, इतना समझ में आना चाहिए, इतना रटने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से उस रिएक्शन का नाम के साथ रिलेशनशिप ढूंढ लो, अगला पद अपने आप बताता है। यस, तो देखो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, बोलो एन डबल बॉन्ड, एन प्लस, अब प्लस माइनस में चल रहा तो ऐसे लिखेंगे ना, तब ये कितना बचा, ये माइनस वाला पार्ट, तो क्या बचा, BF4 माइनस, क्योंकि एच प्लस निकाले तो माइनस ही तो बचेगा। अब नहीं लगाना चाहते यार, प्लस माइनस नहीं लगाना चाहते, और मत लगाओ, तुम लोगों की तकलीफ है तो, किसी के पेट में दर्द होता तो मैं क्या कर सकता हूं। हो गया, लगाने का मन है, प्लस माइनस, ओके। अब क्या होगा बेटा, देखो कितना इजी सा काम है, देखो मेरी बात देखो, ये निकल गया, बोलो N2, बोलो क्या हुआ, एक F बचेगा, क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3। इसके काफी परिचित हो गए तुम लोग, चलो तो इस तरह से ये बन गया। तो जब फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो बल्समैन रिएक्शन को याद करो, बल्समैन कहते हैं, बल्स सीमेन रिएक्शन को याद करो, ओके। अब बोलो सर मुझे थ्योरी लिखा दो यार, जो दिखता है वो लिखो ना यार, क्या बोलोगे, बोलो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ, ब्रोमोफ्लोरिक एसिड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होगा, फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, ओके। चलो आप लोग इंटरेस्ट लोगे तो आगे की पढ़ाई होगी, रिएक्शन यही सब सीखने का मौका है, तो शुरुआत में थोड़ा सा स्लो चलता है, फिर उसके बाद क्या है कि वो रिएक्शन बार बार आ चुके हैं, बोले मैं यहां पे ये कुछ रिएक्शन आ चुका रहेगा, सो वहां पे करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो इस तरह से काफी स्पीड चली जाती है रिएक्शन, समझ में आ रहा है ना, ओके। चलो आगे चलते हैं, और एक बनाने की विधि की तरफ चलते हैं, हुंड्स-डिकर रिएक्शन। नेक्स्ट है हुंड्स-डिकर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। हुंड्स-डिकर रिएक्शन, DI, डाई, डाइकर रिएक्शन। चलिए हुंड्स-डिकर रिएक्शन लिखो, लिखो
सिल्वर बेंजोएट की कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में ब्रोमीन से क्रिया कराने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। ये होन्स्टिकर रिएक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो क्या बोला मैंने यहां पे आपको क्या लेना पड़े, मतलब सिल्वर क्या बोलते हैं सिल्वर बेंजोएट लेना पड़े आपको कोई भी एसिड, ये मिल्क कुछ ऐसा समझ ले पहले, COO Ag इसका रिएक्शन किन के साथ करा रहे हो, ब्रोमीन के साथ करा रहे हो, क्या है इसमें बोलो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन है, ये उपस्थिति मतलब ये यहां पर इनका विलायक का भी काम करेगा। ओके तो क्या होगा, सिंपल सा एक रिएक्शन देखो, AgBr दिख रहा है, बोलो AgBr और क्या दिख रहा है बोलो, तो यहां से ये CO2 बाहर चला गया, निकल गया CO2 और क्या बच गया बोलो RBr, यानी आपको ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो गया। अगर मुझे ब्रोमो बेंजीन प्राप्त करना हो तो कैसे करूंगा, तो मैंने भी बताया ना C6H5COOAg, तो क्या बोलेंगे सिल्वर बेंजोएट, इसको सिल्वर बेंजोएट कहेंगे। सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, ब्रोमीन के साथ, बोलो क्या CCl4, ओके AgBr, बोलो ना भैया, फिर क्या CO2 निकल गया, क्या बचा C6H5Br ब्रोमो बेंजीन, हो गया कि नहीं हो गया। चलो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखो ऊपर में लिख लो इंपॉर्टेंट। क्लोरोबेंजीन बनाने की एक जबरदस्त मेथड है, वो है रेसिंग प्रोसेस। अगला मेथड है रेसिंग, रेसिंग प्रोसेस में क्या होगा बोलो, लिखो थोड़ा सा लाइन, लिखो बेंजीन वाष्प, बेंजीन नहीं डालते ना, बेंजीन क्या लिक्विड है आपको पता होगा, तो बेंजीन का क्या लेंगे वेपर लेंगे, बेंजीन वाष्प वायु, वायु मतलब हवा, हवा हवा एयर, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन, हाँ जी उसका ऑक्सीजन यूज होने वाला है, बेंजीन बेंजीन का वाष्प वायु तथा HCl गैस के मिश्रण को गर्म क्यूप्रिक क्लोराइड में प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। लिख लो जल्दी से, ये तो काफी आसान होगा, जरा सोचें, बेंजीन C6H6 की रिएक्शन ऑक्सीजन और HCl के द्वारा, बोलो क्या होगा भैया, एक एच ये देगा, बोलो है ना, एक एच ये देगा और इसका एक ऑक्सीजन हम यहां से लेंगे, क्योंकि O2 लिख रहे हो, क्या निकल गया पहले समझो इसको, क्या निकल गया H2O निकल गया, बच क्या गया ऑक्सीजन बचा हुआ है ना एक, तो बाद में सोचेंगे C6H5Cl, क्योंकि O2 है तो इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों ऑक्सीजन यूज करना है, सो हम क्या कर देते हैं टू टाइम्स कर देते हैं, तो क्या बच, दो पानी, क्या बच गया C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। ये औद्योगिक विधि है, नीचे लिख लो या हेडिंग ब्रैकेट में लगा लो, कल के दिन में प्रश्न आ सकता है कि औद्योगिक मेथड मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बहुत अधिक मात्रा में बनाने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है क्लोरोबेंजीन बनाने में, तो कौन सा मेथड है रेसिंग विधि है, तो औद्योगिक विधि लिख लो उसमें, रेसिंग मेथड में लिख लो मैन्युफैक्चरिंग मेथड या मैन्युफैक्चर, औद्योगिक उत्पादन भी लिख सकते हो। कल हेलो एरिंस खत्म कर देंगे पूरी तरह से,
तो आपको कुछ काम दे रहे हैं वो कम करके आना है, वो है बहुत, ये होमवर्क है आपका। मैं कुछ बातें बता दूं, फिलहाल आपको अपने तरफ से एक छोटा सा नोट्स बनाना है, होमवर्क है, लिखो क्लोरोबेंजीन का भौतिक गुण, क्लोरोबेंजीन का भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, इसके क्या भौतिक गुण है वो आप नोट करके आएंगे। और तो आपको एक बार बता दें, यहां पे क्लोरोबेंजीन जो होता है ना, वो वैसे हमारे नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पर वो क्या होता है, जैसे हमारे टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हम लोग सर्वाइव करते हैं नॉर्मली, कितना 25-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें अच्छा लगता है, तो इस टेम्परेचर पर वैसे ही लिक्विड है, ठीक है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने की कोई संभावना नहीं है, जरा देख लो, बोलो C6H5Cl, तो ये Cl के साथ, Cl वैसे भी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, सो आपको पता, और उसके साथ डायरेक्ट H भी नहीं जुड़ा हुआ, तो आपको पता है ना, जब H डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा हो, O के साथ जुड़ा हो, जब H किसके साथ, N के साथ जुड़ा हो, और जब H F के साथ जुड़ा हो, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और आपको पता है ये सबसे अधिक, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है सबसे ज्यादा, ये कम स्ट्रांग होगा, और ये बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो उससे भी कम स्ट्रांग होगा, समझ रहे हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के इसमें अणुओं के बीच में क्षमता नहीं होती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी का गलनांक क्वथनांक अधिक है तो उसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में और भी दूसरे रीजन हो सकते हैं। फिलहाल ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी बोला जाए इसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनती नहीं है, तो इसका क्वथनांक कम होगा, गलनांक कम होगा, क्लियर हो गई बातें। अब चलें दूसरी बातें, मैं छोटी छोटी बात बता दूं, गलनांक एवं क्वथनांक इसका क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इनके अणु हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़ी होती हैं। दूसरी बात है, इसकी विलेयता की बात करते हैं, ये जल में अविलेय होगा क्यों, देखो मैं तीन पूरी बातें एकदम सिंपल सिंपल बता रहा हूं, ये विलेयता यानी सोल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो हैलोएरिंस जल में अविलेय होगा, क्यों, क्योंकि वो जल के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती है। फिर मैं एक शब्द और ले लेता हूं, घनत्व, ये जल से भारी होता है, इसका रीजन होता है इसका अणुभार उच्च होता है, ठीक है। तो आपको और भी चीजें जो भी आपने वहां पर मैंने बताया उनके एक बढ़िया सा लिख के लाना है, तो पूरे दुनिया भर की बुक में जो दिया उसको पूरा का पूरा नहीं भरना है, जितनी जरूरत की चीजें भरना है। तो मैंने क्या बताया, गलनांक क्वथनांक फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दूसरा मैंने क्या बताया, विलेयता, और तीसरा मैंने बताया घनत्व यानी कि डेंसिटी मैंने बताया। तो ये सारी तीन चीजों को आप लिख के ला सकते हो। फिर कल हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, सारे केमिकल प्रॉपर्टीज आपको नहीं बताऊंगा, जैसे कि यहां पर मिलेगा वुड्स रिएक्शन मिलेगा, वुड्स फिटिंग मिलेगा, ये जानते हैं आप लोग, सो आप खुद ही करोगे उस चीजों को, तो कल क्लास में मिलेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं कल की क्लास के लिए, तो आप सबको मैं कहूंगा कल आप लोग आएंगे, यस आएंगे, तो थैंक यू। तो सबसे पहले कहूंगा बेटा कि आप शुरू से ही वीडियोस देखिए, क्योंकि शुरू से वीडियो देखोगे तभी जाकर के आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप यूट्यूब चालू करें कुछ इस तरह से, ये यूट्यूब है, ये चालू हो गया, फिर इसके बाद क्या करें, इन्हें आप सर्च कर लीजिए, यहाँ पे जा करके आप सर्च करिए, विक्रम सिंह सर्च करोगे, देखिए आप विक्रम हेप केमिस्ट्री भी सर्च कर सकते हो और विक्रम सिंह भी सर्च कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर विक्रम सिंह करके सर्च कर रहा हूँ, देखिए मेरा चैनल आ जाएगा, ये देखिए मेरे चैनल आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये इस जगह पे विक्रम सिंह ना मेरा वाला फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, उसे आप क्लिक करेंगे। मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ क्या करना है, इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरा चैनल ओपन हो गया। इस चैनल को जब ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर मेरा फोटो मिल रहा है, और देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, क्लास 11th केमिस्ट्री, यानी क्लास 11th की सारी केमिस्ट्री दिखेगा आपको। देखो सबसे पहले देखो एक प्लेलिस्ट दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है प्री बेसिक केमिस्ट्री, फिर लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर 1 है, और देखो एक छोटा सा एरो दिख रहा है, अगर आप नीचे भी जाना चाहते हैं तो क्या कर दें, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे देखो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, सब्सक्राइब होने के बाद यहाँ पर बेल देख रहे हैं आप, इस बेल में दोनों तरफ से ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट जो है
वो लगा है मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं लगा है तो उस बेल को ऐसे दबा देंगे, जैसे मैं बेल को दबा रहा हूँ, तो ये देखिए अब ये नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसी ऐसा है, अब इसको दबा देते हैं। तो अब इसमें से पूछ रहा है कि नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नॉन में लिख लीजिएगा, नन है, और उसके बाद अगर चाहिए तो ऑल में चाहिए, तो ये देखो ये आ गया। अब आपको हमेशा किसी भी तरह के हम आपको सूचना जारी करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि इसके बाद वाला वीडियो कहाँ पे मिलेगा, तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा नीचे की तरफ एरो दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ उसको क्लिक करेंगे तो देखो ये पहला वीडियो जो चल रहा है उसके उस पर क्लिक है। सेकेंड वीडियो देखना चाहते हो तो सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है, फिर सेकेंड वाला चालू है, फिर थर्ड वाला देखना चाहते हो तो थर्ड वाला आ जाएगा,